Kids, check out your book 3. In that, page number 70. Today we are going to learn other people who help us. See, we have already learned the people who help me. Means the people who help you when you are at school. Now, yahan pe hum log kya padhne wale hain? Ki other people who help us. They are also called community helpers. जो हमें हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स, राइट? नाउ सी, दिस पीपल हेल्प्स अस टू. तो कौन से हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज मिल्कमैन. सी, मिल्कमैन है ना, मिल्क सुबह रोज दूध वाला आता है आपके घर, मिल्क देने आता है, येस और नो? येस. तो मिल्कमैन हेल्प अस, ही इज़ अ कम्युनिटी हेल्पर. मेड, काम वाली बाई आती है ना सबके घर, काम करने आती है ना, मम्मी को हेल्प करती है आपकी, येस और नो? येस. ही इज़ न्यूज़पेपर मैन, ये न्यूज़पेपर्स देने आता है ना, सबके घर पे आता है न्यूज़पेपर. शी इज़ वेट, वेट डॉक्टर, जो पेट होता है आपके घर पे, अगर डॉग है या कोई भी पेट है, तो अगर उसको कुछ बीमार होता है या उसको वैक्सीन देना होता है तो किसके पास ले जाते हैं? वेट के पास. हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास नहीं ले जा सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना उनका डॉक्टर अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं. ओके, नाउ ही इज़ ट्रैफिक पुलिस, है ना, सिग्नल्स पे देखते हो आप, ही कंट्रोल्स द ट्रैफिक फॉर अस. अगर पुलिस नहीं रहेगा, ट्रैफिक पुलिस, तो क्या होता है, देखा है आपने, ट्रैफिक जैम हो जाता है, एंड देन हमें कहीं जाना होता है तो हम लेट पहुंचते हैं ना सब जगह, एक्सीडेंट्स भी होते हैं. तो ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्पर. डेंटिस्ट, ये कौन है? डेंटिस्ट, अगर आपको टीथ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाते हो? डेंटिस्ट के पास जाते हो, राइट? देन कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71. ग्रीन ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर मीन्स सब्जी वाले आंटी अंकल होते हैं ना, सब्जी लेने जाती है मम्मा, आप जाते हो मम्मी के साथ सब्जी लेने, तो क्या बोलते हैं उनको? ग्रीन ग्रॉसर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड? ग्रीन ग्रॉसर. देन ही इज इलेक्ट्रिशियन. आपके घर पे लाइट या फैन कुछ भी इशू होता है, ख़राब हो जाता है, तो हम किसे बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना. पापा या मम्मा किसको फ़ोन करती है? इलेक्ट्रिशियन को, और वो आके रिपेयर करता है लाइट्स, है ना. नाउ ही इज़ अ कॉबलर. कॉबलर क्या करता है? कॉबलर, ही मेंड्स अवर शूज़, राइट? देखा है आपने कॉबलर, येस और नो? येस. अगर आपकी शूज़ में कुछ फट गया है या कुछ, तो ही रिपेयर्स इट, फिट करता है, उसको ठीक करता है ना, उसको कॉबलर बोलते हैं उनको. ही इज़ अ कारपेंटर. कारपेंटर क्या करता है? हमारे घर पे फर्नीचर्स बनाता है, कबर्ड है, सोफ़ा है, टेबल है, किचन है, किचन की ट्रॉलीज है, वो कौन बनाता है सब? कारपेंटर. ओके, देन ही इज़ अ फार्मर. फार्मर क्या करता है? फार्म में देखो काम करता है, तो हमें वहाँ से मिलता है ना सब, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, सब कहाँ से आता है? फार्म से आता है. तो कौन उन्हें बन करता है, बड़ा करता है, ध्यान रखता है, पानी डालना होता है फार्म में, तो क्या बोलते हैं उनको? फार्मर. ये क्या है? केमिस्ट. हमें कुछ भी दवाई चाहिए होती है तो हम कहाँ जाते हैं दवाई लेने? केमिस्ट के पास जाते हैं ना, राइट? डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो हम दवाई लेने किसके पास जाते हैं? केमिस्ट के पास, ठीक है. ही इज अ हेयर ड्रेसर. हेयर ड्रेसर है ये, हेयर कट करने कहाँ जाते हो आप? सैलून में जाते हो, तो वो अंकल जो हेयर कट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेयर ड्रेसर बोलते हैं. देन ही इज़ अ प्लम्बर. हमारे घर पे नल टूट जाता है या पाइप में कुछ इशू होता है तो हम किसे बुलाते हैं? फ़ोन करके प्लम्बर को बुलाते हैं. किसे बुलाते हैं?
प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर आके सब ठीक करता है। ओके, नाउ टर्न द पेज, हियर यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स, टेक द टूल्स दैट हेल्पर्स यूज एंड क्रॉस द वंस दैट डू नॉट। ठीक है, ये जो हेल्पर्स दिए हैं वो कौन से टूल्स यूज़ करते हैं उन्हें हमें टिक करना है, और जो नहीं यूज़ करते हैं उसे क्रॉस करना है। ठीक है, सी फर्स्ट ये कौन है, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन के पास क्या होता है, उसका टूल किट होता है। देखो आपके घर पे अभी नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन आए ना, तो ध्यान से देखना वो क्या क्या लेकर आता है एक बैग में, ये उसके टूल्स हैं, तो ये होते ही है बैग उसके पास, तो वी विल टिक दिस। ये होता है इलेक्ट्रिशियन के पास, नहीं इससे तो हम प्लांट्स में पानी डालते हैं, कैन है ये, तो दिस इज रॉन्ग। स्क्रू ड्राइवर होता है, यस, तो वी विल टिक दिस। ही इज अ कोबलर, कोबलर क्या करता है, शूज को पॉलिश करता है, यस वी विल टिक इट। हैमर यूज करता है, सी ही इज यूजिंग हैमर, कर रहा है ना यूज, मेंड कर रहा है शूज को, तो यस तो वी विल टिक दिस। ये वाला टूल यूज करेगा, नो तो यहाँ पे रॉन्ग करना है। नाउ दिस इज अ केमिस्ट, केमिस्ट के पास जूस मिलता है, नहीं तो वी विल क्रॉस इट। मेडिसिन मिलती है ना, देखो दोनों मेडिसिन है, दवाई है ना, तो दवाई की पिक्चर को हम टिक करेंगे। ही इज हेयर ड्रेसर, सैलून पे जाते हो तो उसके पास क्या क्या होगा, कॉम है ना, होता है सैलून हेयर ड्रेसर के पास, यस तो हम कॉम को टिक करेंगे। सीजर ही हैज, यस ही यूजेस सीजर टू कट आर हेड, सो वी विल टिक दिस। पॉलिश होती है उसके पास, नहीं पॉलिश कौन यूज करता है, कोबलर यूज करता है, सो वी विल क्रॉस इट। ही इज अ कारपेंटर, राइट, कारपेंटर के पास क्या है, देखो हैमर है, यस तो हम टिक करेंगे। देखो इसके हाथ में हैमर है ना, और एक्स, देखो इससे ये वुड वुड को कट करता है, ऐसे एक्स है उसके पास, सो हम टिक करेंगे। ये होता है मैसन, मैसन के पास होता है, ये जो घर बनाते हैं ना उनके पास होता है, तो ये क्रॉस करेंगे हम। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स एंड मैच देम टू द पिक्चर्स, राइट। हमें ये रीड करके सामने उसकी पिक्चर्स पे मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज मेड, या मेड की पिक्चर कहाँ है, ये रही, तो हम मैच करेंगे। ये क्या है, प्लम्बर, प्लम्बर, प्लम्बर कहाँ पर है, ये रहा प्लम्बर, देखो पाइप ठीक कर रहा है ना, तो इसे मैच करना है। ट्रैफिक पुलिस, आस्क मम्मा टू रीड दिस फॉर यू, मम्मा को बोलना आपको ये रीड करने में हेल्प करेगी, आप पिक्चर्स गैस करना कौन से है। ट्रैफिक पुलिस का पिक्चर कहाँ पर है, ये रहा, तो हम यहाँ मैच करेंगे। न्यूज़पेपर मैन कहाँ पर है, न्यूज़पेपर मैन, ये रहा, सो वी विल मैच इट। लास्ट इज डेंटिस्ट, ये रहा डेंटिस्ट का पिक्चर, तो वी विल मैच इट। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस टू पेजेस, पेज नंबर 72 and 73। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, राइट द नेम्स ऑफ द हेल्पर्स। हमने जो भी हेल्पर्स पढ़ा ना, राइट, यहाँ पे पढ़े हमने हेल्पर्स, नाउ यहाँ पे उनके नेम्स आपको कॉपी करना है। वेट, मेड, मिल्कमैन, फार्मर, डेंटिस्ट एंड प्लम्बर, आपको ये रीड करके यहाँ पे अच्छी राइटिंग में कॉपी करना है। ठीक है,